हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी 2021 का अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया था। लोग उसको एज्यूम कर रहे थे एंड हमने भी अपडेट दिए थे कि जिस हिसाब से वो बता रहे थे मार्च के आसपास के एंड में आपका एमएसटी सीईटी का डेट आने वाला था। लेकिन कल रात को अगर आप यहां पे देखते हैं तो आज 14 है एंड ये बेसिकली मार्च 13 को 11:16 दैट इज रात के 11:15 के आसपास आपको एक न्यूज आई है जिसमें इसमें मेंशन किया गया है कि एक अनाउंसमेंट आई है कि द अनाउंसमेंट ऑफ द सीईटी शेड्यूल फॉर द ईयर 2021-22 इज आल्सो डिलेड बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, द महाराष्ट्र सीईटी सेल सेड। तो ये एक बहुत बुरी खबर आ गई है कि आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे डिले हुआ है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बताने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम इस आर्टिकल को अच्छे से पूरा पढ़ते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे इसमें मेंशन क्या किया जा रहा है। इसमें अगर आप मेंशन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली चीज बोली जा रही है कि यहाँ पे डिले हुआ था नोटिस दे, यहाँ पे मेंशन किया गया कि नोटिस डेट जो 12 तारीख को, उसमें पूरा हिसाब बताया गया और वो बोला कि कोविड के कारण उसको बेसिकली उन्होंने डिले कर दिया। ठीक है, हमको कोविड से कोई शिकायत नहीं है कि डिले हो रहा है, होने दीजिए। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया, अनाउंसमेंट ऑफ दी ये जो पेंडेमिक तो बोला गया है, बट दी सीटी सेल usually declares the tentative schedule of CET in the month of the December of the previous academic year, the Maharashtra CET cell notification set. मतलब वो कह रहे हैं कि CET जो cell होता है वो हमेशा basically December में, मान लीजिए जैसे paper आपका May में होने वाला है तो December में वो बता देते हैं कि कब आपका paper होने वाला है, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं बताया है। तो अब मेरा question ये है कि आप syllabus बता सक रहे हो, आपने syllabus बता दिया, no problem, बट फिर डेट क्यों नहीं, एटलीस्ट एक देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई चीज डिले होती है तभी भी जो अथॉरिटी होते हैं उनके दिमाग में कुछ टेंटेटिव डेट्स होते हैं कि कुछ डेट्स हम फिक्स रखते हैं, हाँ चलो जुलाई में करेंगे या जून में करेंगे, ऐसे डेट्स उनके मन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स इस चीज को समझ रहे, यहाँ पे डेट टेंटेटिव डेट्स कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया है कि डिले है। अब डिले मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो इंटरनली टेंटेटिव डेट्स डिसाइडेड। अब यहाँ पे एक चीज बहुत, तो इसलिए मैं बोला ये एक बहुत बुरी खबर है कि अभी तक यहाँ पे डेट्स भी नहीं डिसाइड किए गए हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं न्यूज आर्टिकल्स में देखता हूँ तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स तो सीईटी के बारे में बता भी नहीं रहे हैं कि उनको मालूम है कि डिले हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स हम इसके डेट्स निकाल सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम डेट निकाल सकते हैं क्योंकि अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि स्टूडेंट्स को भी अपना स्टैंड लेना होगा। स्टूडेंट्स को स्टैंड कैसे लेना होगा, स्टूडेंट्स की मैं एमएसटी सीईटी, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अभी फिलहाल एनटीए के लिए जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट नहीं आए, उनके लिए भी मैंने एक स्टैंड किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेरे प्रीवियस वीडियोस में था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स की मैं चाहता हूँ कि मैं अभी सीईटी को मैं ईमेल डालने वाला हूँ कुछ दिनों में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस चीज को जब मैं उन्हें बोलूँ कि आप डेट दीजिए, बच्चे बहुत परेशान हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो कहेंगे ये तो आप सिंगल आदमी, आप बोल रहे बच्चे परेशान हैं, आपके कहने से थोड़ी डिसाइड होता है, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि सीईटी सेल बेसिकली बहुत जल्दी आपके डेट्स अनाउंस करे, पूरा शेड्यूल अनाउंस करे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के लाइक काउंट से हम बताएंगे कि कितने लोग हमारे, ये बेसिकली एक सर्वे की तरह हो जाए, कितने लोग हमारी बात को सपोर्ट कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि डेट्स आए। एंड आप कमेंट में लिख के दीजिए कि यस सीईटी सेल शुड डिक्लेयर द डेट्स ऑफिशियली, जो भी भले वो पोस्टपोन्ड हो, लेकिन आप फिलहाल के लिए कुछ डेट्स तो बताइए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को यही चीज नहीं समझ में आ रही कि कहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए, अगले एक हफ्ते के बाद हम इसको ईमेल करने वाले विद प्रूफ के साथ, जो भी मेरा लाइक रहेगा एंड जो मेरे कमेंट काउंट रहेगा मैं उनको स्क्रीनशॉट दूंगा कि देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी, जो आपसे बेसिकली इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करें, तो आप डेट दीजिए, तब की उनको समझ में आया कि यस ये जो पॉइंट रख रहा है इसके पीछे बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी विल है कि यहाँ पे एक सिंगल आदमी आके ईमेल नहीं कर रहा है, सिंगल आदमी बोल रहा नहीं है, देर आर मेनी पीपल की जो बेसिकली जा रहे हैं मिल रहे हैं नो प्रॉब्लम, बट वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो रहा ना, स्टूडेंट्स की पॉइंट तो रखी नहीं जा रही है, सिर्फ अपनी पॉइंट्स लाके दिए जा रहे हैं कि हम जाके मिल के आए, हमने ये किया हमने वो किया, बट आपको स्टूडेंट्स के पॉइंट को भी समझना होगा। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि अगर आपको डेट्स जल्दी चाहिए तो इस तरीके से आप किया जा सकता है। 2020 के लिए भी किया गया था, बहुत सारी चीजें मैंने की थी और बहुत सारी चीजें अपडेट्स आई थी। तो आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेसिकली कमेंट में लिखिए कि सीईटी सेल वी वांट द ऑफिशियल अपडेट फॉर द डेट फॉर एमएसटी सीईटी 2021 एंड स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके काउंट कम रहेंगे तो अभी भी इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए
एंड फिर तब आप देखिए कि आपको आउटपुट कितने जल्दी आता है, एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारी एक रिक्वेस्ट है बेसिकली सीईटी सेल से कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, पेंडेमिक टाइम में भी काम करें, लेकिन आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिए कि स्टूडेंट भी बेचारे फंस गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड एग्जाम है, उसके कितने दिन बाद सीईटी होने वाला है, कुछ लोग के जेई चल रहे हैं, कुछ लोग बेसिकली अगर देखेंगे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे पूरा सिस्टम हिल गया। तो आप एटलीस्ट एक टेंटेटिव डेट तो दीजिए ताकि उनको कुछ समझ में आए। सो स्टूडेंट्स प्लीज आप लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, प्लीज शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो मेरा नहीं है, ये वीडियो आपका है, आपके करियर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।